तो बड़ी खबर है लखनऊ में, जहां सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 2024 के लिए प्लान भी बनाया है। 9 अगस्त से शुरू होगी देश बचाओ देश बनाओ समाजवादी पदयात्रा। देखिए अब पदयात्रा की खबर मिल रही है जो गाजीपुर से शुरू होगी ये यात्रा, जहां पहला चरण गाजीपुर से शुरू होगा जिसमें बलिया मऊ आजमगढ़ जौनपुर भदोही से ये पदयात्रा गुजरेगी। पूर्वांचल में फिर आगे बढ़ेगी ये वाराणसी की ओर। समाजवादी पदयात्रा का समापन यहां पर होगा। तो देखिए एक रूट बन करके तैयार हुआ है, 9 अगस्त से ये पदयात्रा की शुरुआत होगी। रूट किस तरीके का होगा ये भी हम आपको बताते चले। वाराणसी में समाजवादी पदयात्रा का समापन होगा। 2024 के लिए ये प्लान तैयार किया गया है। 9 अगस्त तारीख तय की गई है जहां देश बचाओ देश बनाओ समाजवादी पदयात्रा ये नाम दिया गया है। गाजीपुर से शुरू होकर के वाराणसी पे ये यात्रा आकर के समाप्त होगी। और चलिए इसी पर और बातचीत कर लेते हैं, जानकारी लेते हैं। हमारे साथी शैलेश जुड़ चुके हैं अधिक जानकारियों के साथ में। शैलेश देखिए पदयात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं, 2024 का प्लान ये साफ तौर से समझ में आता है अखिलेश यादव का, किस तरीके से उनकी रणनीति आपको समझ में आ रही है, किस तरीके से आगे बढ़ा जाएगा, क्योंकि हर चुनौती को अच्छे से वो जान रहे हैं समझ रहे हैं और चुनौती से निपटने के लिए ग्राउंड पर वो किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं इस पदयात्रा के जरिए भी हम समझ सकते हैं। शैलेश बिल्कुल देखिए निश्चित रूप से पूर्वांचल को लेकर ये पूरा फोकस है जो पहला चरण है पदयात्रा का। और पूर्वांचल की जब बात आती है तो कई चीजें देखिए देखने वाली है। आजमगढ़ के उपचुनाव की अगर आप बात करें तो अभी हाल में देखिए जो नतीजे थे वो सबके सामने हैं, वहां से किस तरह से सपा को अपनी सीट खोनी पड़ी थी। इसके अलावा अगर आप बात करें तो जिस तरह से आगे 2024 की लड़ाई है उसको लेकर भी आजमगढ़ खोने के बाद एक तरफ भाजपा का उत्साह बढ़ा तो दूसरी तरफ कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी जो है उसको निराशा हाथ लगी। और इसी बीच में जिस तरह सपा सुभाषपा का गठबंधन खत्म हुआ उसको अगर आप देखें तो लगातार सुभाषपा की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि अगर वो साथ नहीं होते सपा के तो पूर्वांचल में जितनी सीटें जीती हैं सपा ने वो उतनी नहीं जीत पाती। और उसके पीछे उन्होंने तर्क भी दिए कि आजमगढ़ में किस तरह से जीते, बलिया में किस तरह से माहौल रहा, हर जिले गाजीपुर मऊ हर जिले का वो जिक्र करते हैं। तो कहीं ना कहीं 2024 को लेकर जो अब समाजवादी पार्टी ने अपनी तैयारी शुरू की है, अखिलेश यादव ने जो पूरा प्लान तैयार किया है, 9 अगस्त क्रांति दिवस का दिन चुना गया है और इसमें देखिए कई चीजें इस यात्रा के दौरान जो होंगी, देखिए जनसंपर्क तो होगा, सदस्यता पर बात तो होगी, लेकिन तिरंगा अभियान जो है उसके भी इसके दौरान तिरंगा अभियान को लेकर भी जागरूकता होगी और सपा पहले कह चुकी है तिरंगा फहराने के लिए। तो कहीं ना कहीं अपनी बात लोगों तक पहुंचाना, साथ में राष्ट्रवाद की भी बात होगी, यानी हर तरह से लोगों को अपने साथ जोड़ने का कह सकते हैं काम करने जा रही है। लेकिन देखिए अगर पूर्वांचल में समाजवादी के पकड़ की बात की जाए, पार्टी के पकड़ की बात की जाए तो आजमगढ़ गढ़ माना जाता था, वो गढ़ अब गढ़ नहीं रहा। इसके अलावा विधानसभा चुनाव में जो अच्छी परफॉर्मेंस रही वो माना जाता है कि सुभाषपा की देन रही है, कई प्रभाव क्षेत्र आते हैं। ऐसे में उनकी जगह अपनी जगह उनको हटा करके अपनी जगह बनाने की कोई खास रणनीति है क्या, छोटी छोटी जातियों को साधने के लिए, कोई छोटे छोटे नेताओं को आगे बढ़ाने के लिए रणनीति तैयार हो रही? देखिए 2024 के लिए पूरी तैयारी है ये, और जिस तरह से सपा सुभाषपा का गठबंधन खत्म हुआ है उसके बाद अगर बात करें देखिए विधानसभा चुनाव में सुभाषपा की एक बड़ी भूमिका रही है जो पूर्वांचल का क्षेत्र है वहां पर, और ऐसे में फायदा भी मिला सपा को। और अब अगर देखें जब सुभाषपा अलग है तो अपनी पूरी जमीन तैयार करनी होगी। आजमगढ़ में देखिए 10 विधानसभा सीटें जीत जाते हैं लेकिन जब उपचुनाव होता है तो सीट हार जाते हैं, वो भी अपने घर की सीट कह सकते हैं। हमारे साथ में इस समय सुभाषपा के राष्ट्रीय महासचिव अरविंद राजभर हैं, यहाँ पर उनसे बात करते हैं। अरविंद जी जो पूरा प्लान है वो तो आपके सामने आ गया, समाजवादी पार्टी जो प्लान तैयार किया, आप बार बार कहते थे आप लोग कि पूर्वांचल में उनकी ये स्थिति नहीं होती अगर सुभाषपा साथ नहीं होती, तो क्या लगता है खुद को मजबूत कर रही सपा? देखिए बेशक इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है, और जब से गठबंधन हम लोगों का समाजवादी पार्टी से चालू हुआ था तब से हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी इस चीज़ की चर्चा करते रहे। मैं एक चीज़ की जानकारी जरूर देना चाहूँगा कि ये प्लान हमारा गठबंधन तो 2021 में हुआ लेकिन ये प्लान 2020 में ही तय कर लिया गया था जब हम लोग समाजवादी पार्टी के साथ थे कि हम लोगों को गांव-गांव निकलना चाहिए। समाजवादी पार्टी के जो पूर्व के जो मतदाता रहे हैं, जिस जाति के लोग रहे हैं, ऐसे लोगों को फिर से जोड़ने की आवश्यकता है। इन सारे इशूज़ पर माननीय अखिलेश यादव जी से डिस्कशन उस दौरान हुआ करते थे, अब तो हम लोग साथ में हैं नहीं
लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि जो बात माननीय ओम प्रकाश राजभर जी माननीय अखिलेश यादव जी को हमेशा बताते रहे, समझाते रहे, जनाते रहे, अखिलेश इनसे पूछिए कि आप ही का बनाया प्लान है, आपसे पहले वो एग्जीक्यूट कर ले रहे हैं, जमीन पर उतार दे रहे हैं, सुभाष सपा क्या करेगी? बहुत अच्छी बात है, उनके लिए भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वर्तमान समय में देखा जाए जो लड़ाई माननीय ओम प्रकाश राजभर जी चाहे सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने की बात करते हैं। अरविंद जी एक चीज बताइए, आप ही का बनाया हुआ प्लान जैसा आप कह रहे हैं और उसको आप सपा जमीन पर उतार रही है, आप भी कहते हैं कि पूर्वांचल में आपका मतदाता बहुत है, अब तो अलग हो चुके हैं, तो ये तो आप ही के लिए चुनौती साबित हो जाएगी, आपका प्लान आप पे भारी ना पड़ जाए? नहीं नहीं, देखिए कहीं कोई चुनौती नहीं है, जो प्लान बनाता है अगर किसी दूसरे के लिए बना रहा है तो अपने लिए उससे बेटर बना के रखता है, तो उससे अच्छा मैं कर पाऊँ। और हम लोग तो आपने देखा होगा कि विधानसभा विगत 2022 के चुनाव का रिजल्ट आया, उसके एक दिन बाद से ही हम लोग कार्यक्रम पर लग गए। अभी आजमगढ़ लोकसभा का उपचुनाव का हार का रिजल्ट आया, उसके एक दिन बाद ही आजमगढ़ में समीक्षा बैठक हम लोग कर दिए। तो जो दूसरों के लिए प्लान करता है वो अपने लिए उससे बेटर प्लान करके रखता है। लेकिन जो जिले इन्होंने चुने हैं, चाहे गाजीपुर हो, मऊ हो, भदोही हो, वाराणसी हो, ये पूरा आजमगढ़ हो, ये पूरा वो क्षेत्र है जहां पर आप बोलते हो कि आपकी मदद से सपा जीती थी, यानी आपका वोटर वहां पर रहा जिसका फायदा मिला, अब आपके लिए नुकसान तो नहीं हो जाएगा क्योंकि अलग है? देखिए सुभाषपा के साथ जो मतदाता रहे हैं वो आज भी हैं, वो एक यात्रा नहीं 10 यात्रा निकाल ले जाए, वो भारतीय जनता पार्टी या इनसे पूछे कि आपके पार्टी के भीतर भी सब ठीक है? सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के कोर मतदाता हैं, वो रहेंगे इनके साथ, हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं, जो माननीय अखिलेश यादव जी प्रयास कर रहे हैं कि अन्य लोगों को समाजवादी पार्टी बना रहे, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी यही बात कहते थे कि अन्य लोगों को जोड़ा जाए, वही काम हम भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। देखिए अरविंद जी एक बीच में रोकेंगे, बिल्कुल देखिए वाराणसी में सपा कार्यकर्ताओं ने एक पोस्टर जारी किया, शायद देखा होगा आपने, अखिलेश यादव जी को उसमें शेर दिखाया है और आपको और जो पार्टी अध्यक्ष है ओपी राजभर जी उनको जिस तरह से दिखाया है उसमें, किसी को गीदड़, किसी को अलग अलग चरित्र में दिखाया, तो क्या कहेंगे इस तरह के पोस्टर अगर कार्यकर्ता जारी करें? देखिए पोस्टर वोस्टर से ये कुछ होता नहीं है, और देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री का कितनी प्रकार से टैटूज वगैरह सब बना कर लोग दिखाते हैं, तो ये राजनीति में इसका कोई मायने नहीं निकाला जा सकता है, अपना अपना एक नज़रिया है, अपनी सोच है विरोध प्रकट करने का, तो किसी के कहने से कोई शेर नहीं हो जाता है, किसी के कहने से कोई गिदड़ नहीं हो जाता, किसी के कहने से कोई हाथी नहीं हो जाता है, इंसान है, इंसान इंसान रहेगा, उसकी बुद्धि विवेक उसको महान बनाती है, अगर उसका बुद्धि विवेक है तो वो शेर है, बुद्धि विवेक नहीं है तो गिदड़ नहीं लगे। तो 24 की बात आगे हो रही है, उस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जो टिकट के लिए पैसा लेने का आरोप लगातार लग रहा है कि पैसे लेकर टिकट बांटे गए, उस मुद्दे पर क्या कहेंगे? ये हम लोग तो विपक्ष में हैं, ये कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लोगों की चाल है जो विपक्ष में जितने भी दल हैं उनको बदनाम करने, क्योंकि एजेंडे जो हैं, एजेंडे कैसे हाइड हों, नौजवानों के रोजगार की बात न हो, बच्चों की शिक्षा की बात, आप क्या सब निष्पक्ष रहा टिकट का बंटवारा? एकदम रहा, कहीं कोई पैसे का लेने ऐसी चीज़ें? एकदम रहा, हमारी पार्टी को 16-17 टिकट मिला था, और देखिए गठबंधन हम लोगों ने एक दूसरे के सहयोग के लिए किया था, माननीय समाजवादी पार्टी की तरफ से हमारे पास 10 प्रत्याशी आए थे, सीधे आए उनको प्रत्याशी बना दिया गया, हमने 5 प्रत्याशी उनको दिया था वो बन गए, ये जो भी आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं जिसके भी द्वारा लगाए जा रहे हैं सब निराधार है, इसकी इसमें कोई दम नहीं है, कोई जान नहीं है, ये मूल मुद्दे से मूल एजेंडे से भटकाने का कार्य हो रहा है कि ओम प्रकाश राजभर या फिर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी या विपक्ष में बैठी सारी पार्टियाँ फोकस कर दे उस बिंदु पर जिस पे लोग चर्चा कर रहे हैं। एक चीज़ ये बताइएगा कि अगर हम बात करें सुभाषपा की और 2024 देखिए आगे है, तो सपा से तो अलग हो गए, बसपा में एंट्री नहीं मिल रही, अब सुभाषपा किसके साथ जाएगी 24 को लेकर या अपना कुछ प्रयास? आवश्यकता ही उत्पत्ति की जननी कही जाती है, और समय के पहले कुछ होता नहीं है क्योंकि समय सबसे बलवान होता है, अभी हम लोग पूरी ताकत लगाए हुए हैं संगठन विस्तार में, सदस्यता अभियान में। देखिए चालीस कह रहे हैं आवश्यकता या आविष्कार की जननी है, लेकिन क्या मान के चले उत्तर प्रदेश की सियासत में आविष्कार होगा? हालांकि ये घूम फिर के दो पार्टियों के साथ ही गठबंधन की पॉसिबिलिटी बनती है समाजवादी पार्टी से अलग होकर के, या तो बसपा या तो भाजपा, इन्हीं दोनों में से किसी एक का चयन करना होगा, हालांकि आने वाले वक्त में कैसी गतिविधि रहती है आप इस पर नजर बनाएंगे और रिपोर्ट लगातार हमारे दर्शकों तक पहुंचाएंगे। शैलेश शुक्रिया जानकारी के लिए, अरविंद राजभर से बातचीत कर रहे थे हमारे सहयोगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।